इसने खुद ही बोला था हमें चुहारा बोलो, अभी फेमस हो गया, अभी तंग हो रहे हैं। आपने आलमगीर भाई का वो ग्रेवान पकड़ा था, तो आप पहले दोस्त भाई थे, वो आगे से ग्रेवान का क्या सीन बन गया, क्या जहन में आया, क्या करना है, क्योंकि बैड कमेंट भी आएंगे। बिल्कुल बैड कमेंट आएंगे, मगर ही आप एक्ट के तौर पे लें, मतलब माइंड इस तरह ना करे कि ग्रेवान पकड़े, एक्ट है बस, ये कभी हम पकड़ेंगे कभी वो लोग पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, मुझे नहीं गंदा फील होता, बड़ा अच्छा फील होता है, लोग हैं प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो क्या इसमें अच्छा है यार, लड़कों के साथ वीडियोस बनाओ, लड़कियां खत्म हो गई हैं। आप देख रही है नूर्स मीडिया ब्लॉग, इस वक्त मौजूद है अबू बकर के घर के बाहर, यहाँ पर बिला टैगर जो मशहूर टिकटॉकर है, तो उनसे मिलवाते हैं आपको और उनसे जानेंगे कि आपने टिकटॉक का आगाज कब शुरू किया और अब किस तरह चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान और साथ में चुवारी कह देंगे क्योंकि मशहूर है ना चुवारी अबू बकर खान, तो इनसे बात करेंगे इनके लाइफस्टाइल के हवाले से और टिकटॉक का आगाज़ कब शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है, जज़ाकअल्लाह। बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अच्छा अब बताए कि आपने टिकटॉक का आगाज़ कब शुरू किया है। आज से 4 साल पहले हमने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया था, उस टाइम हमारी फ़र्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, पिंडी के नाम से, एक पिंडी का सॉन्ग था तो उसके नाम से हमारी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें शौक़ बढ़ा तो हमने आगे बनाते रहे। आप लोगों ने आलमगीर और आप दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके ऊपर अभी मिल रहे, तो किस तरह मैनेज करते हो, मतलब आप किस तरह अभी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अब क्या आगे क्या प्लानिंग है। पहले तो वीडियो ऐसे बनाते थे कि अभी तो सिर्फ सॉन्ग पर बना दिया, वैसे पहले एंटरटेनमेंट करते थे, अब क्या आगे क्या प्लानिंग है। अभी इनका फेम का भी हम जाएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लेकर जाएंगे इन सारे फेम को, तो उधर से ही हम स्टार्ट लेंगे, फ़नी वीडियोज़ हो गई वगैरह, सॉन्ग्स बनाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो अभी कुछ मसरूफियात है बहुत, इसी की वजह से अभी हम थोड़ा आराम आराम कर रहे हैं, समझ लो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे से यूट्यूब का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो देखते जाना माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन आपको मिल रहे हैं यूट्यूब से। हमें हमारा एक हमने चैनल अपलोड किया था आलमगीर भाई का इंटरव्यू, काफ़ी वायरल हो गया, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, स्पेशली आपके हवाले से पूछ रहे थे कि अब्दुल्ला का है और अब्दुल्ला से मिलना है, अब आलमगीर से मिलना है, तो उसके लिए क्या तरतीब बनाएंगे, अगर आपसे फ़ैन मिलना चाहते तो आप उनके लिए क्या तरतीब बनाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे, एक दिन रखेंगे मीटअप, कहीं जगह बताएंगे इन सब फेम को लेकर आएंगे उधर ही किसी जगह पे, कोई बाहर पार्क वगैरह में, तो थोड़ा टाइम निकालेंगे इनके लिए भी, तो आगे बिजी होते हैं, काम वगैरह हो गया तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल। लाइफ में क्या करते हो, काम क्या है आपका। हमारा काम तो प्रॉपर्टी का काम है, उसमें बिजी रहते हैं। अच्छा जी, तो एक वीडियो आपकी अभी आज ही अपलोड हो गई थी जी जी। तो आपने आलमगीर भाई का वो ग्रेवान पकड़ा था, तो आप पहले दोस्त भाई थे, वो आगे से ग्रेवान का क्या सीन बन गया, क्या जहन में आया, क्या करना है, क्योंकि बैड कमेंट भी आएंगे। बिल्कुल बैड कमेंट आएंगे, मगर ही आप एक्ट के तौर पे लें, मतलब माइंड इस तरह ना करे कि ग्रेवान पकड़े, एक्ट है बस, ये कभी हम पकड़ेंगे कभी वो लोग पकड़ेंगे, और लोग भी इस तरह होते हैं, एक्ट है, इसको एक्ट की तरह लें। उसमें कुछ मैसेज दिए थे कि आप ग्रेवान उसके साथ ही रहे, मतलब आप किसी को भी, इसको भी कर सकते, दूसरा भी कर सकते थे, मतलब ये कि आप एक जोड़ी है, उसको तोड़ भी सकते, मतलब ये नहीं नहीं ये टूटते तो मरने दम तक नहीं टूटेगी इंशाल्लाह, ये बात तो है नहीं, मगर ये एक एक्ट था, एक्ट की तरह ही ले। वैसे तो दोस्त और भी खड़े थे मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी, बस मैंने कहा चले आप खड़े हो जाए। उसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा ठीक है, आपकी भी हो उनकी दोनों की, मतलब उससे ज़्यादा अगर हम देखें आलमगीर भाई भी तो उससे ज़्यादा मुझे आपकी रिएक्शन का वो ज़्यादा पसंद है, और फैन जो है वो आलमगीर खान के बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो आपकी क्या कहोगे आलमगीर भाई के लिए। मेरा तो मेरे फेवरेट, पहले बात ही मेरे फेवरेट भी मेरे भाई ही हैं, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं एक्ट करने के, मगर आजकल बिजी होते हैं, काम वगैरह बहुत हो गया, इसीलिए अगर काम वगैरह ना होता तो एक्ट वाले ज़्यादा बनाते हैं, मगर काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं हम इसलिए।
अच्छा ये छुआरा पर मशहूर हो गया था ना, ये तो यार है हमारा यार, तो इस पर ये अभी कोई ऐसा ट्रेंड लिया है कि इसको चेंज कर सकते हैं, एक तरीका है, लेकिन किस तरह आप मतलब फैन फॉलोअर आपके बहुत ज़्यादा है, इसको नेम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हो। नहीं, चेंज करेंगे इंशाल्लाह, अभी बैठेंगे इस पर, बिठाएंगे सारे दोस्तों को, चेंज करेगा, मगर अभी इसने खुद ही बोला था हमें चुहारा बोलो, इन्होंने खुद ही बोला था, अभी फेमस हो गया, अभी तंग हो रहे हैं हर गली। अच्छा अभी फेमस हो गया काफ़ी, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ कैमरामैन भी होता है, उसको भी मैं चुहारे नाम से, क्योंकि उसने बाल भी रखे, मैं खुद ही प्यार से, ये नहीं कि वो उससे मशहूर है, लेकिन प्यार से मैं कहता हूँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब ये जो आप बोलते हैं, आपने इज्तिमा में भी आपकी लड़ाई भी हुई थी? नहीं यार, मुझे तुम लड़ाई भी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कंजल ही कहो लिबास मान राशा से लग वे वखमा नक्षी हुआ मा फेम सुख वखी फेम ना हो माना हो इतारा शर्म मगर जमान राशा से ताजा दा शर्म पहले दर्जी चल बहुत राजिया। अच्छा बताए वो? नहीं जी बिल्कुल, मुझे नहीं गंदा फील होता, बड़ा अच्छा फील होता है, लोग हैं प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो क्या इसमें इस्लाम में तो कोई नहीं। वैसे अगर देखे तो जब से लमगीर भाई ने बोला छुआरा के, उससे ज़्यादा मशहूर है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ गए, आप पहले लड़कियों के साथ बनाते थे, इनके इनके तरफ आ गए, तो आपने लड़कियों से मतलब रूह मोड़ दिया, मतलब तो इस पर क्या होता है, क्या कहोगे? हाँ बस अच्छा है यार, लड़कों के साथ वीडियोस बनाओ, लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं। तुम लोग ये क्या काम करते हो यार? पहले बनाता था, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाता, गलत काम करते हो।